दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय कौटिल्य एकेडमी रीवा। खबर रीवा से, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में मध्य प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी 2022 पर एक कार्यशाला 11 बजे से 12:30 तक आयोजित की गई। कार्यशाला के मुख्य अतिथि मनोज पुष्प कलेक्टर रहे, जबकि मुख्य वक्ता यूबी तिवारी महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र रीवा रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर राजकुमार आचार्य कुलपति अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय ने रीवा की। उपरोक्त कार्यक्रम के संयोजक प्रोफेसर अतुल पांडे, संकाय अध्यक्ष प्रबंध संकाय एवं नोडल अधिकारी इंक्यूबेशन केंद्र अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रहे। कलेक्टर मनोज पुष्प ने बताया कि उपरोक्त कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं को स्टार्टअप्स लगाने के प्रति जागरूक किया गया और मध्य प्रदेश शासन की नीतियों और सुविधाओं के बारे में विस्तार से बताया गया। आइए आपको दिखाते हैं कार्यक्रम की मुख्य झलकियां और सुनाते हैं कलेक्टर मनोज पुष्प ने क्या कहा। इस वर्कशॉप को प्रेजाइड ओवर कर रहे हैं एक्टिव पीसी साहब। इस मैनेजमेंट के जो हमारा ब्रांच है उसके हेड कर रहे हैं अतुल जी, जीव तिवारी साहब, रिस्पेक्टेड प्रोफेसर साहब। यहाँ के युवाओं को रोजगार दे और इकोनॉमी चेंज करने के लिए हमेशा चिंतित रहते हैं, तो बहुत ही शॉर्ट समय में आपने कहा कि यहाँ स्टार्टअप की एक स्टार्टअप पॉलिसी जो लॉन्च होने जा रही है उसके रेफरेंस में हम लोगों ने यूनिवर्सिटी में ये कार्यशाला की थी, जिसमें कि यूनिवर्सिटी के और इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे उपस्थित थे। स्टार्टअप पॉलिसी के बारे में बातचीत की गई है और इसमें और इन्हें प्रेरित किया गया है कि अपने आइडियाज़ को स्टार्टअप में बदलने के लिए यहाँ रजिस्ट्रेशन बढ़ाएं।